This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. कल जिला स्वास्थ्य अफसर डॉक्टर के मनोहर ने ये सूचना दी है कि जिले में 47 वेलनेस सेंटर खुलने वाले हैं। ऐसे में आउटसोर्सिंग पर MBBS डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए डॉक्टरों को इस महीने की 12 तारीख के अंदर एप्लीकेशन देना होगा। www.asifabad.telangana.gov.in वेबसाइट पर इससे जुड़ी सभी जानकारी मौजूद है। कलेक्टर राहुल राज ने भी एक सूचना जारी की है। जिले में 18 महीनों के लिए आउटसोर्सिंग के द्वारा 19 स्टाफ नर्स और मिडवाइफ की भर्ती की जाएगी। इसके लिए BSc नर्सिंग क्वालिफाइड महिलाओं की जरूरत है। इस महीने के 15 तारीख के अंदर इसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के पास एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। गार्डन सर्च का अभियान जारी है। कल तिरयानी मंडल के गुड़ी पेटा और पाटरगुड़ा गांव में गार्डन सर्च किया गया। घर घर में घुसकर पुलिस ने तलाशी ली। इसके बाद गांव वालों के साथ पुलिस ने सभा की। इन गांवों में कोई अवैध सामान नहीं मिला। गांव वालों से पुलिस ने ये कहा कि अगर कोई गांजा बेचता मिले तो उसकी सूचना दी जाए, आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। कल गोलेटी में मौजूद वृद्ध आश्रम में BJP महिला मोर्चा की सदस्य श्रीमती सुहासिनी सिद्धम शेट्टी ने सेवा कार्यक्रम किया। राशन, अनाज और फलों के साथ साथ उन्होंने वृद्धाश्रम में 10,000 रुपयों की सहायता की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को ऐसे सेवा कार्यक्रम करने चाहिए, खास तौर पर कामकाजी महिलाओं को ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सेवा का काम करने से न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे समाज में खुशी का माहौल बना रहता है। उन्होंने वादा किया कि समय मिलने पर बीच बीच में वो इस वृद्धाश्रम में लोगों को सेवा करने आती रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महिला डॉक्टरों की टीम ने कागज नगर के सभी 30 वार्डों में घूम घूम कर महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अम्मा मंचेगा बदकाली, यही उद्देश्य है बदकमा उत्सव का। बदकमा उत्सव में सभी महिलाएं एक जगह जमा होकर उत्सव मनाती है। ऐसे में इस समय का लाभ लेते हुए हर बदकमा मंडली के पास ये टीम पहुंचकर महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर कैंसर को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। कैंसर का इलाज मुमकिन है और इसको लेकर हर महिलाओं को सजग रहने की जरूरत है। महिला अपने परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है, ऐसे में उन्हें अपने तबीयत का ध्यान रखना अवश्य रखना चाहिए। जब कोई महिला बीमार पड़ती है तो पूरा घर मायूस सा हो जाता है। ऐसे में महिलाओं को हमेशा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देना चाहिए, उनकी मनोस्थिति अच्छी बनाई रखनी चाहिए, हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम को BJP की सीनियर नेता डॉक्टर अनीता कोतापल्ली ने अच्छे चलाने का लक्ष्य रखा है।